प्यारे बंधुओं, आप सभी को पता है आगामी जैन धर्म के 25-24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनके अनुशासन काल में रह रहे हैं, उनका आगामी 1/11/2024 कार्तिक बदी अमावस्या के दिन 2551वां निर्माण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। 2550 का वर्ष चल रहा था, वह पूर्णता की ओर है। और हम सभी जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के निर्माण उत्सव पर हम सभी दीपावली पर्व मनाते हैं। ध्यान रखना, दीपावली पर्व जैन भी मनाते हैं और जैनेतर भी मनाते हैं, सभी संप्रदाय मनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना रीजन है, अपना उनका अलग अलग महत्व है। हम उनके महत्व में ना जाएं, हम अपने उस महत्व को समझें, क्योंकि हमारा जो है 2550 वर्ष हो चुके हैं और तब से वह जो हम दीपावली मना रहे हैं, और उसका हमारा एक ही लक्ष्य है कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं और उस पर क्या क्या करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, दीपावली मनाते हैं हम तो प्रातः काल की वेला में, कार्तिक जो है बदी अमावस्या। ध्यान रखना, जो जितनी भी तिथियां होती हैं, जितनी भी जो तिथियां होती है जैन धर्म में, अन्य धर्म के लिए बोल रहा हूं, जैन धर्म में उनका जो है, उनकी मान्यता जो है सूर्योदय से होती है। क्या? सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो लगभग 6 घड़ी तक जो रहती है वो तिथि मानी जाती है। तो जो कार्तिक बदी अमावस्या इस बार जो है वह कब है? वह 1 तारीख को है। ध्यान रखना, बहुत से जो है भ्रम फैल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यहाँ तक कि साधु जन भी, कोई बोला 31 की बोला है, कोई जो है 1 की बोला है। तो ये बिल्कुल भ्रामक जो है, आप उन बातों को छोड़ दें, हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को याद रखें कि जो तिथि जो होती है सूर्योदय की मानी जाती है, और सूर्योदय की जो अमावस्या है वो 1 तारीख की है, और प्रातः काल से लेकर के शाम को 6:17 तक वह है, ठीक है ना। तो इसलिए आप पूरे जो है निर्विकल्प होकर के जो है आप वह दीपावली मनाएं, और उस दिन आपको क्या करना है तो प्रातः काल की वेला में भगवान के यहाँ पर अभिषेक करिए, पूजन कीजिए, और यहाँ पर जो है निर्माण लड्डू जो है, जो हमारे जो है उनके मोक्ष का जो है प्रतीक है, गुणों का प्रतीक है, ऐसे निर्माण लड्डू जो है प्रातः काल की वेला में जलाएंगे, वो उसका भी पूरा समय अपने पास, उसका भी मुहूर्त है। भगवान मोक्ष गए, वह प्रातः काल की वेला में गए, कार्तिक बदी अमावस्या में गए, स्वाति नक्षत्र, और स्वाति नक्षत्र पूरा है, तो इसलिए प्रातः काल की वेला में पूजा पाठ सब करना है, लड्डू चढ़ाना है, चतुर्मास का जो है समापन की जो विधि होगी और उसमें कलश भी वितरण होंगे, और शाम को ध्यान रखना यहाँ पर 2 बजे से लगभग 4-4:30 ही बज सकते हैं, यहाँ पर 1000 दीपों से यहाँ पर आरती होगी, यहाँ पर एक सुंदर सा स्वस्तिक बनाया जाएगा, सभी अपने अपने घर से 5-5 दीपक लेके आएंगे, ठीक है ना, और 1 दीपक घर ले जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, जलता हुआ ऐसा दीपक लिया जाना जो आप जलता हुआ, आप लोग उल्टा करते हैं, पहले घर की दीपावली मनाते हैं और फिर यहाँ मनाते हैं, तो गलत है। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ दीपावली मनाइए, आरती कीजिए, दीप अर्चना कीजिए, उसके बाद यहाँ से 4-4:30 आपको भेज दिया जाएगा, आप वहां जाइए और अपनी पूजन कीजिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, तो बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक आपका ये बिजी रहेगा, घर जाने के बाद या दो जो है उसके बाद आप दुकान की, फैक्ट्री की, लड्डू के बाद, क्योंकि भगवान की मोक्ष जाने के बाद पूरा दिन
क्या है, पूरा शुभ है, तो इसलिए आपको कोई विकल्प नहीं करना है। तो इसलिए जो है आप अगर जो है आपको घर की दुकान की जो भी है आपकी दुकान की करना है प्रैक्टिकल जो की है, उसके बाद यहाँ ही दोपहर में और उसके बाद घर जाइए, 4 बजे से लेकर 6:15 तक आप जो है खूब पूजन करें। आपके पास एक जो कैलेंडर आएगा उसको आप जल्दी से जल्दी उसको लेमिनेशन कर देना और वो कैलेंडर लगा करके एक पुस्तक मिलेगी आपको, उसमें सारी विधि लिखी है क्या क्या करना है। ध्यान रखिए भगवान को मोक्ष हुआ था इसलिए मोक्ष लक्ष्मी के रूप में भगवान की फोटो लगाएंगे महावीर स्वामी की, और उसमें ही जो है भगवान के गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था तो जिनवाणी आदि की और गौतम स्वामी की अथवा गौतम स्वामी की वैसे तो कैलेंडर में है अर्थात अपने गुरु की भी फोटो लगा सकते हैं। और बाकी सारी किताब में लिखा है किसी प्रकार की लक्ष्मी गणेश, क्या लक्ष्मी केवल ज्ञान की लक्ष्मी और गौतम गणेश हमारे वो है ना कि जो है अन्य है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार के कोई भी बच्चे हो बड़े हो बूढ़े हो महिलाओं पुरुष किसी प्रकार के कोई भी पटाखे नहीं छोड़ेगा, जीव हिंसा आपको करना है, आप जो है जितने भी पटाखे छोड़े आप बस जाए मिठाई खाए, अथवा ऐसे भी हमारे जैन बंधु है हो सकता आपकी बुद्ध विहार में जो जो जिनकी परिस्थिति कमजोर है, चाहे तो हम जो 2,000-5,000 खर्च करते हैं दिनेश जी सचिन जी जो भी है उनको हम दूसरों को भला करें, ऐसा ना करें कि आप दिवाली मना रहे हो और किसी का दिवाला निकल जाए, किसी घर में आग लग जाए, किसी की दुकान में आग लग जाए। आप जो है अपनी भी दिवाली मनाएं और दूसरों की भी दिवाली मनाएं, उसके लिए आप बस